फादर, अपनी अपनी बेटी की भलाई के लिए ये सब कुछ किया है मैंने। उसकी अभी नई नई शादी हुई है, नए सपने हैं, नई गृहस्थी है, मतलब मेरी पल्लू है तो मैं हूं, मेरी तीन बेटियां हैं तो मैं हूं। मैं जानता हूं मुझसे कितना प्यार करती है, कितनी चिंता रहती है उसे मेरी। मेरे लिए ना वो एक झटके में सब कुछ छोड़ सकती है। उसका हाथ इसलिए मैंने झटका है ताकि ताकि वो मुझसे अलग हो जाए। अगर इस तरह अपने महके से जुड़ी रहेगी तो उसके ससुराल वाले ना पूरी तरह से उसे अपना नहीं पाएंगे। ये समझ नहीं है उसकी। इसी सब के लिए मैंने आज मैकअप पराया हो जाता है। आज बहुत कड़वी बात की उससे। छोटी बच्ची का दिल चकनाचूर कर दिया मैंने। वो सही कह जा रही थी। मैं अपने ससुराल वाले के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। नहीं, गलत कह जा रहा था। दरवाजा खुला है, जाइए सबको लेके। मैं शर्मिंदा हूँ और उसी का प्रायश्चित करने आया हूँ मैं। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि अब मेरी बेटी अपने ससुराल पे फोकस करे, इस ससुराल वालों को खुश करे, की जिम्मेदारियां उठाए। बस बस मैं यही चाहता हूं। तू यहां रहेगी ना मुझे शांति नहीं मिलेगी। सबको ये मेहमान नवाजी करना मुझसे नहीं। इसका मतलब पापा सच पे गुस्सा नहीं है। पापा ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैं अपने ससुराल पे फोकस कर सकूं और मेरी प्रायोरिटी वो नहीं बल्कि मेरा ससुराल रहे। फादर, फादर पापा मुझे यहां ना दिख ले। बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। ये तो वही शॉट है राकेश की, इसी पे लिपस्टिक का निशान है। तन्वी मेरी ये दो साड़ीज भी प्रेस कर दो प्लीज। ओह
करना है तुझे। देख क्या किया तूने, शर्ट जला दी। वाह वाह वाह, एक तो शर्ट जला दी, मैं यहाँ नहीं आती तो सारे घर में आग लग जाती। और देखो खुद ही आंसू बहा रही हो। कमाल है। तन्वी, बेटा। तन्वी, क्या हुआ है? मतलब घर जल जाता ना, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? वो मम्मी जी, सॉरी, अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आप गुस्सा तो नहीं होंगी ना? क्या बात है, क्या हुआ है बताना। एक्चुअली कल रात रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, बेचारा राकेश सारी रात लगा रहा उसे ठीक करने में, इसी में ये शर्ट भी खराब हो गई। उस रात इनकी ऑफिस की पार्टी में ट्रूथ एंड डेयर का चैलेंज हुआ, जिसमें इनको बोला गया कि इनकी बीवी चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी शर्ट पे अगर लिपस्टिक का दाग देखेगी ना तो शक जरूर करेगी। बहू जी, आप गुस्सा हो रही हैं। सॉरी, हो सकता है शायद मेरी कोई गलत फहमी है, शायद मैंने गलत सोच लिया होगा। नहीं, धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। एक पत्नी का मन कभी झूठ नहीं बोलता, और तुम तो ऐसी बहू भी नहीं हो जिसे रोज ऐसा लगता हो। अगर तुम्हें लगा है ना तो फिर सबसे पहले तो ये आंसू बहाना बंद कर, और ये छुप छुप के शर्ट जलाना भी बंद करो। अगर जलाना ही है ना, इस वहम के जड़ को जलाएंगे। सारी गलती मेरी है, मैंने ही आग और फूस को साथ में रख दिया। अब ये गलती सुधारनी पड़ेगी। मेरी बात सुन, ये इतना अंधेरा क्यों है? सॉरी किस लिए? और ये सब? मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी जॉब इंक्वायरी वाली बात किसी से शेयर मत करना, लेकिन तुमने तनु दी को बता दी। बस इसलिए मैं थोड़ा हर्ट था, और उस हर्ट में न जाने कितना गलत शर्त बोल दिया। बाद में जो सब हुआ, जो भी कुछ पापा ने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा पल्लवी की, तुम्हें कितना गलत समझा और फालतू में ऐसे ही बस। लिसन मिस्टर हस्बैंड, एक तो तुम इतने क्यूट हो लेकिन इतने डफर भी हो। मैंने तनुजी को कुछ नहीं बताया इंक्वायरी के बारे में, और तुमने मुझे मना किया था, मेरे लिए तो वो पत्थर की लकीर है ना। पर पल्लवी, मैंने सुना था तुम दोनों को बात करते हुए, तनुजी को पता था इस बारे में। चाची जी, कुसुम चाची, याद है जब तुम मुझसे ये बात शेयर कर रहे थे, तुमने मुझसे कहा था कि किसी से मत कहना, तब चाची जी बात सुनते सुनते हमारे कमरे में गिर गई थी। तो चाची जी ने रेखा आंटी को बताया, और रेखा आंटी के थ्रू दीदी को पता चला। तनु दी तो बस मुझसे चेक करने आई थी, ये था पूरा सफल। नहीं पल्लवी, तुम गलत कह रही। मैं डफर नहीं, महाडफर हूँ। कैसे सोच सकता हूँ कि तुमने बताया होगा यार। I'm so very sorry पल्लवी, really sorry यार। It's okay आकाश, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पति देव मुझसे अंदर ही अंदर रोट के बैठे हैं। पागल हो तुम, इतनी फॉर्मेलिटी मत किया करो, बात करने से ना बात क्लियर हो जाती है। थैंक यू आकाश।
thank you for being there in my life. I love you. Love you too. By the way, मुझे पापा का रीजन पता चल गया. क्या? अपनी बेटी की भलाई के लिए ये सब कुछ किया है मैंने. उसका हाथ इसलिए मैंने झटका है ताकि ताकि वो मुझसे अलग हो जाए. अगर इस तरह अपने मायके से जुड़ी रहेगी तो उसके ससुराल वाले पूरी तरह से उसे अपना नहीं पाएंगे. आकाश, पापा चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं, यहाँ सबको खुश रखूं. इसी में उनकी खुशी है. उन्होंने मुझे खुद से दूर किया सिर्फ मेरी खुशी के लिए, मेरे ससुराल के लिए. पापा, हम तीनों बहनों के लिए ऐसे ही सैक्रिफाइस करते रहते हैं. हम तीनों से बढ़कर उनके लिए और कोई भी नहीं है. 15-15 दिन वाला प्लान फेल हो जाए इसलिए उन्होंने ये सब किया है. और देखो, जो वो चाहते थे वो हो गया. क्या मास्टर आदमी है ना पापा जी. एक्चुअली हमारे पेरेंट्स मतलब सब कुछ कर जाते हैं हमारी भलाई के लिए और हमें पता तक नहीं चलता. खाना खा ले, बहुत जोर से भूख लगी है. हाँ हाँ ठीक है. आंखें बंद करो. आंखें बंद करूंगी तो कैसे करूंगी. अरे अरे करो तो सही. मैं आ जाओ, आ जाओ, करो करो, आंखें बंद करो. कहाँ ले जा रहे हो आकाश? आ जाओ आ जाओ. रेडी, 1 2 3. अरे वाह, शेफ मैं हूँ और आज सारा खाना मैनेजर साहब ने बनाया. क्या है ना कि रोज रोज ये शेफ का खाना खा के थोड़ा बोर हो गया था, सोचा आज कुछ अच्छा खा लूं. There you go. My favorite. Thank you. आकाश, पापा ने इतना बड़ा लोन लिया जीजू के लिए, कितना ज्यादा प्रेशर आ गया है ना उनके ऊपर. सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है. दीपू से बात हुई? अभी तो नहीं हुई. वो बहुत गुस्से में होगी. बड़ी है ना, उनका गुस्सा भी बड़ी देर से उतरता है. वैसे मेरे मन में एक बात चल रही थी. बोलो. हम पापा को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे ना. बिल्कुल भी नहीं. उन्होंने एज अ फादर अपना फर्ज निभाया है, हम अपना निभाएंगे. थैंक यू आकाश. सोचा तुमसे शेयर करूं कि चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना, हम हमेशा पापा के साथ रहेंगे. कोई भी मुश्किल, कोई भी तूफान क्यों ना आ जाए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे हमेशा. चलो खा ले. नमस्ते अंकल जी. अरे पप्पी जी, आइए आइए. पप्पी जी आइए आइए, मैं अभी बस. अरे फिर कभी आऊंगा, यहाँ से निकलना था. सोचा कि आपसे मिलता चलूं. पावर ऑफ अटॉर्नी ऑलरेडी जो मैं आपको दे चुका हूँ. एक क्लाइंट मिला, उसके डिटेल्स इस फाइल में है. अंकल जी आप ये जादू चला सकते हैं, सिर्फ आप. वो जमीन जो है ना, आप उसे बेच दीजिए. वो क्लाइंट कल ही वो लैंड देखना चाहता है. और अगर वो प्लॉट बिक गया तो 4% कमीशन आपका पक्का. जी सच कहूं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान ने आपको भेजा है मेरे लिए. भगवान जैसे इंसान तो आप है. अच्छा, अच्छा जी. नमस्ते. हे भगवान, आपने रास्ता दिखा दे मेरा आंगन बचाने के लिए. भगवान को जितना याद करना है याद कर लो. अब आपको मेरी इस चाल से कोई नहीं बचा पाएगा, आपको और आपकी लाडली बेटी को. सो गया राहुल?
तनु, तुमने लिस्ट में बच्चों की चीजें ऐड की हैं क्या? ये बेड, कबर्ड, स्टडी टेबल, बोर्ड गेम्स, ये सब किस लिए? वो राहुल को अलग रूम चाहिए था, बहुत दिनों से कह रहा था। लेकिन उसके लिए तो मुझे नया घर खरीदना पड़ेगा, हमारे पास एक्स्ट्रा कमरा कहाँ है? वो जानवी, जानवी जाने वाली है ना, वो रूम एक्स्ट्रा ही तो है, वो वाला रूम दे देंगे। जानवी जाने वाली है? कहाँ जाने वाली है? अरे क्यों, वो थोड़ी ना हमेशा के लिए यहाँ रहेगी, उसका काम खत्म होने के बाद उसको तो जाना ही है, और उसका तो बिजनेस का काम भी पूरा होने वाला है। तुम ना एक बार जानवी से पूछ के देखो कब जाना है उसे। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ उससे। आई थिंक उसका ये दिल्ली का प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होने वाला है। मैंने सही एड्रेस तो दिया ना इन लोगों को, समझ में नहीं आ रहा गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया इनको, अभी तक नहीं आई ये लोग। वरुण रिलैक्स, आ जाएंगे वो लोग, जस्ट चिल। थैंक्स दीपू। दीपू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये लोग हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए ना तो बस सब सही हो जाएगा। हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। ओके, ओ हाय, हाय। हेलो, बेहतर। हाय गाइस, हाय, आई एम गुड। Please, please have a seat. Yes, please. Meet my lovely wife, Deepika. Hello. Hi. Hi. I'll call for some drinks and starters. Yeah. Yeah. Just a second. Waiter. थैंक यू वरुण, हमने आपका प्रेजेंटेशन चेक किया है, पिच बहुत बढ़िया है, ब्रिलियंट, क्लैरिटी बहुत बढ़िया है, और मार्केटिंग इज आल्सो परफेक्ट। सीरियसली, सही कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं आप, इट्स गुड। इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। थैंक यू सो मच। यस, और वैसे ही आपका घर वाला प्लान जो है ना काफी अच्छा है, बीवी बच्चा संभाले और आप ऑफिस पर फोकस करें, नाइस, हैप्पी इंडियन फैमिली। हाँ हाँ, नहीं तो हर लॉन्ग ट्रिप पे बीवी लगेज की तरह साथ चल देती है। सर आप भी, बट नॉट सीरियसली, घर में सुंदर बीवी, अच्छे खाने के साथ सब अरेंज करके वेट कर रही हो, तो ऑफिस से आने के बाद आधी थकान तो वैसे ही खत्म हो जाती है, और आप बहुत लकी हैं कि आपको ऐसी सेवा करने वाली वाइफ मिली है। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? ये मैडम को क्या हो गया यार, कोई गलत बात बोल दी हमने? हम तो मजाक कर रहे थे यार। एक तरह से सच ही तो है, और इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? सारे लंच का मूड खराब कर दिया यार। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ और लेंगे? आई कॉल फॉर सम मोर ड्रिंक्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई जस्ट बी बैक। देखो क्या है, एक दिन तो बिहेव नहीं कर सकती हूँ, हर दिन मेरी बेइज्जती करना जरूरी है? मैंने मिसबिहेव किया वरुण? एक तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी ना मैं रेडी शेडी होकर तुम्हारे साथ आई तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी, और तुम्हारे गेस्ट मुझ पे कमेंट कर रहे हैं। व्हाई? ये प्रोफेशनल मीटिंग थी राइट, तो पर्सनल होने की क्या जरूरत थी? बोलो ना, अगर इतना ही बोलना है तो अपनी बीवी को जाके बोले ना, यहाँ क्यों बोल रहे हैं? मैं सुन के क्यों लूंगी? वो लोग सुनते होंगे, बट मैं नहीं सुन के लूंगी ये बकवास। मजाक कर रहे हैं वो लोग, हर चीज को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, और हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं? समाज सुधारने नहीं निकला हूं मैं, मुझे उनकी जरूरत अपनी कंपनी के बोर्ड में है, दैट्स इट, आई नीड देम। उनकी थिंकिंग बदलना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और वो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे, बेंच मुझे हुआ, मुझ पे कमेंट्री की है, मैं बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो एक अच्छे होस्ट की तरह चुपचाप बैठी थी ना, शुरू किसने किया बोलो ना, किसने किया शुरू? तुम कितनी सेल्फिश हो यार दीपू, तुम्हें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा इंप्रेशन उन पे रहे या बिगड़े, मूड स्विंग्स की आड़ में कुछ भी करती हो। ये प्रेगनेंसी है ना, ये सिर्फ बहाना है, तुम जलती हो मुझसे, यू आर जेलस, मैं कामयाब हो रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ, तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, तुम्हें लगता है कि ये तो मेरे इशारों पे नाचेगा ही नहीं,
That's what it is. क्या बोल रहे हो वरुण? कुछ भी बोल रहे हो. This doesn't make any sense. यही है, यही बात है. अरे हाँ भाभी, सारा सामान लिस्ट से मिलाकर ही लिया है. अभी बस रिंकू के लिए ब्राउनी लेने आई हूँ कैफे में. मिलती हूँ आपको घर पे. अरे टंडन मेरे प्राण, सबसे पहले साड़ी जो है वो उसी की दुकान पे पहुँचा दे. अभी पहुँचा देता हूँ जी. और वो जो बूढ़ा अंकल, क्या नाम है उसका? वो जयदेव. हाँ जयदेव, वो जमीन दिखाने के लिए पहुँचा के नहीं? जरा चेक कर ले, वो पता पता दिखाए के नहीं? ठीक है जी, मैं अभी चेक कर लेता हूँ. और जिसको फंसता हो ना, उसके नसीब में लिखा हो तो फंसता ही है वो. ये कुदरत का निजाम है और क्या, कायदे को कोई नहीं बदल सकता. कोई शिकार होता है, कोई शिकारी. और पप्पी जी एक बात बताइए, वो बेचारे बुड्ढे के पीछे क्यों पड़े हैं हम लोग जयदेव के? अरे वो कुड़ी पल्लवी, अरे अगर उसने मेरा प्लान नहीं बिगाड़ा होता ना, तो मैं अंकल जी के यूं पीछे नहीं पड़ता. और झगड़ा जो है मैंने नहीं शुरू किया. अब देखना, बर्बाद कर दूंगा मैं इन दोनों की जिंदगी. देखना, नुकसान करा दिया उस लड़की ने पप्पी जी का, है? और क्या, तो मैं क्या पप्पी का जप्पी देगा उसको उसके लिए? सही बात है पप्पी जी. और तो और तू देख वो किधर पहुंचा जयदेव. सब नसीहत देते हैं. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.